फरमा दी पानी तारीख खुद का फील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रिंसिपल साहिबा और आपका शुक्रिया कि ज़ाहिर इस वक्त आप जो है वो पढ़ाई का टाइम है, लेकिन हमने कुछ टाइम आपसे लिया है। हमारी तहरीक है खुद उगाओ खुद खाओ खुद कफील तहरीक जम्मू कश्मीर। दुनिया की कौन ने तरक्की की, हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? आपके सामने चाइना, उसने कैसे तरक्की की, मलेशिया ने कैसे तरक्की की, डॉक्टर महतीर महमूद ने एक सोच दी, और आज मलेशिया का कोई आदमी गरीब नहीं है। हम क्यों आज तक तरक्की नहीं कर सके, जबकि कश्मीरी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़हीन लोग हैं, तालीम में सबसे आगे हैं, लेकिन हुनर में पीछे हैं। डिग्रियां नहीं, डिग्रियों के साथ हुनर दो। जब स्कूल से एक बच्चा और बच्ची जब निकले, वो जाबों के पीछे ना जाएं, जाबे उनके पीछे आए। जैसे कि तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो जो भी बेरोजगार होते हैं उनको बेरोजगार का अलाउंस देते हैं, वो खुद ही उनको बुलाते हैं कि आपकी जॉब यहां है और फलां तारीख आपने फलां जगह काम करना है। क्या हमारे यहां ये चीज आज तक क्यों नहीं हो सकी? इसकी बुनियादी वजह हम सब लोग हैं। हमारा जो चुनाव है वो गलत है। आपके सामने एक शख्स ढाई ढाई करोड़ की गाड़ी इस्तेमाल करता है, क्या ये रियासत ढाई करोड़ की गाड़ी जो इस्तेमाल करते हैं वो जायज है? जो कायदे कश्मीर है 10 करोड़ 34 लाख की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। अगर 10 करोड़ 34 लाख खुद कफील को दें तो मैं एक जिले का एक आदमी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। तो एक आदमी आपके पैसों से आयशी कर रहा है, हमने इनकी आयशी रोकनी है। शजरकारी मुहिम हम 8 साल से, ये 8वां साल शुरू हो गया है। कश्मीर भर के अंदर तकरीबन 300 कॉलेजों यूनिवर्सिटियों स्कूलों तक हमारा पैगाम पहुंच चुका है। हम पहले बागात लगाते थे, अब हम बच्चियों को एक एक पौधा दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिन पहले हमने यहां प्रोग्राम किया, वहां भी हर बच्चे को एक एक पौधा दिया। तो अब जो पौधा हम दे रहे हैं, जब इसके साथ फल लगेगा वही बच्ची कहेगी कि मैंने अपना बाग एक तैयार करना है। सही। और आप सबने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। 3-4 लड़कियां ग्रुप बनाते, जैसे इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी है, आप सब जाहिर है सब मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, तो आपने देखा है कि उसने हर स्कूल और कॉलेज में इंकलाब लाया। केजरीवाल, हाँ केजरीवाल ने ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस वक्त ये मोबाइल आपके पास जो हाथ में है, ये कम से कम एक मन वजन है, ये उठा के आप घूम रही है। इस मोबाइल से फायदा उठाना है कि भाई कौन कौन सी चीजें जो बाहर से आती है हमने खुद तैयार करनी है। जब तुम ये जरूरियात जिंदगी की चीजें हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, उस वक्त यह खत्ता आजाद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमें आजादी चाहिए, सबसे पहले खुद कफील होना है, उसके बाद आपको आजादी खुद मिल जाएगी। जब हम अंडा बाहर से मंगवाते हैं, मुर्गी बाहर से मंगवाते हैं, दूध जो है वो बाहर से मंगवाते हैं। जो दूध है, ये 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, 3 ड्रम थे, उनके अंदर 4-5 किस्म का केमिकल मिक्स करके कश्मीर में भेजते हैं और वो दूध हम इस वक्त इस्तेमाल में करते हैं। सही है। तो ये दूध नहीं, ये आज के बाद वादा करो कि आपने आप अपने हाथों से काम करना है, आपने दूध अपने घर का तैयार करना है, अंडा अपने घर का, मुर्गी अपने घर की, सब्जी अपने घर की, ये सब कर सकती है या नहीं, ये आप बताएं। कर सकती है। तो पहले जो है हमारी जो माए बहने थी वो हर काम करती थी अपने घर में, आज हम सब ने काम छोड़ दिए, एक आदमी को सूली के ऊपर लटका के बाकी सब आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? आप सब यहां बैठी हैं, मैं अक्सर आपके वालदैन या भाई बाहर हैं या नहीं, तो वो जो बाहर हैं उनकी जिंदगी जो है आप सब ने उस एक शख्स को सूली के ऊपर लटका है, बाकी कोई काम नहीं करने है। स्कूलों से जब वापस जाती हो घर में बैठ जाती है, कोई काम करने का दिल ही नहीं करता है। नहीं, हम चाहते हैं कि 10 साल का बच्चा वो भी वालदैन के ऊपर बोझ न बने। वो कैसे बोझ नहीं बनेगा? वो 10 साल के बच्चे को हम ऐसी सोच देंगे कि आने वाले वक्त में वो किसी का गुलाम ना बने, गुलामी की जंजीर तोड़े, तभी तोड़ी जाएगी कि उसे कारोबार की तरफ ले जाया जाएगा। यहां हजारों कारोबार हैं, यहां अगर वसाइल
इतने हैं कि सोच नहीं सकते, मिसाइल के साथ मिसाइल मौजूद है, लेकिन हम आज तक इस तरफ नजर नहीं रख रहे। इसकी बुनियादी वजह हम हैं। तो हमने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, और खुद कफील तहरीक का आप लोग साथ दें। हम 7-8 साल से निकले हुए घरों से, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ आपके लिए है कि हमारी नस्ल दुनिया से पीछे रह गई है। हम कुंभ के बजाय हजूम बन रहे हैं, नहीं हम एक कुंभ बनने जाते हैं। और कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि हम रावलाकोट के अंदर ऐलान कर लेंगे कि दूसरा जापान कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। आप लोग साथ देंगे, नौजवान नस्ल को हम ऐसी लाइन के ऊपर ले जाएंगे कि किसी के आगे ना गुलाम बनेंगे और ना किसी के किसी लीडर के पीछे जाएंगे कि हमें कोई जाब चाहिए। ये जाबें इतनी इस कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन किसी को नहीं पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ है। रावलाकोट के अंदर मार्च के पहले हफ्ते में हम मंडी का इफ्तिताह कर रहे हैं, सब्जी मंडी हर शहर में खुलेगी, जितनी भी चीजें इस इलाके के अंदर तैयार होंगी वो मंडी में जाएंगी। हमारी अपनी जो चीजें यहाँ से करेची लाहौर रोड पे नहीं जाए, वहां से जो है वो गंदा दूध आज के बाद हम सब ने नहीं पीना, मुर्गी सब ने नहीं खानी, अपने घर की मुर्गी खानी है। तो मेरा खुराक अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी। तो आज हम जो खुराक खा रहे हैं वो गंदी खुराक खा रहे हैं, जो सब्जी खा रहे हैं वो भी जहर खा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश है कि 2 घंटे अपनी जमीन के अंदर, जितनी यहां बच्ची और बच्चे हैं, अपनी जमीन में 2 घंटे काम करोगे, खुद कफील तहरीक का साथ दोगे, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि आपका टाइम दूसरे दोस्तों ने बात करनी है। तो अनवर साहब जो है ये हमारे भाई हैं, ये बाहर भी रहे, वहां भी बड़े एक्टिव थे, मैं 37 साल बाहर रहा हूँ, 12-13 साल ये भी रहे। तो हमारा मकसद जो लोग बाहर रहे हमें पता है कि क्या क्या तकलीफें हैं, तो हम सब मिलके इस खत्ते को बनाने चाहते हैं और आप लोग साथ दें। और कश्मीर का कोई बंदा किसी के आगे जाके गुलामी नहीं करेगा, हमारा ये मकसद है मेन। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।